कितने की है भैया? 100 रुपए के दो, 50 की एक। जय हिंद दोस्तों। तो गाइस कैसे हो सब? और मैं बढ़िया। और वीडियो का टाइटल देख के वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम कैसी मार्केट जाने वाले हैं। काफी ज्यादा सस्ती मार्केट है बट अच्छी है, क्वालिटी काफी सही है, सारी चीज होगी। ठीक है, मैं एक्चुअली कैसे मिला, मतलब मेरे को मार्केट एक्चुअली कैसे मिली है तो वो सब मैं बताऊंगा वहाँ पे जाके। कैसे मैं मतलब जा रहा था, बाई चांस ही मिली है मार्केट, ऐसे मतलब बाई मिस्टेक मिल गई, कोई रीज़न नहीं था। मैं सिर्फ उस रोड से एक्चुअली जा रहा था एंड वो मुझे मार्केट दिखी, मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई करता हूँ। एक्चुअली शूज़ काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे थे मुझे, तो शूज़ देख के ना थोड़ा सा मन ऐसे पिंगल सा जाता है, ऐसे यूँ यार एक बार तो देख ही लेते हैं, जूते ही तो है। और इस बात से तो वह सारे लड़के ही रिलेट कर रहे होंगे कि जूतों में तो यार जान बचती है वैसे भी लड़कों की, बट फिर भी मैंने देखा और मैंने कहा यार चल एक बार देख ही लेते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल गया, सही ठीक ठाक रेट में मिल गया और क्वालिटी ठीक ठाक मिली तो ले लूँगा। तो मैं गया, एक्चुअली मैंने बाइक वाइक साइड में लगाई एंड वहाँ पे जाके मैंने देखा, एक तो स्टॉल वगैरह देखे, वहाँ पे कुछ खास नहीं लगा। फिर मैं कहा यार चल एक बार और देख लेता हूँ बस, तो सिर्फ लास्ट टाइम ही मैं देख रहा था वो एंड मेरे को ठीक लगे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ लगी, तो मैंने सोचा कि यार एक बार दोबारा आता हूँ यहाँ पे और इस बारी कंटेंट बनाता हूँ इस बारी वीडियो बनाएंगे। अभी जाएंगे, मैं जा रहा हूँ अभी एंड ठीक ठाक मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हो, कहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेगी किस स्टॉल पे, ठीक है। और क्या आपको पहले से ही माइंड में रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो, ठीक है। और ये जो मार्केट है ये दिलशाद गार्डन में सुंदर नगर से थोड़ी सी आगे ही चलती है, तो आसपास के जो भी है उन्हें या तो पता होगा एंड अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर एक बार चेकआउट करना। तो यार मैंने सोचा था कि ना आज सरप्राइज़ दे देता हूँ, एक्चुअली रोहित के घर आ रखा हूँ मैं, रोहित मेरा स्कूल का दोस्त, तो सोचा था मैंने कि उसे थोड़ा सा सरप्राइज़ दे देता हूँ उसके घर आके और फिर हम कहीं घूमने चल लेते हैं, लेकिन वही गायब है मेरे साथ कैम हो गया वहाँ पे अकेला हूँ। अब अकेला हूँ तो यार थोड़ा तो फ़ायदा उठाऊँगा, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं फ़ायदा है और दिखाता हूँ क्या क्या फ़ायदा उठाऊँगा। एक्चुअली सबसे पहले तो कुछ उसकी कलेक्शंस वगैरह है उस पर हाथ मारूंगा, देख रहा है ना रोहित, अगर अभी नहीं तो कभी भी देख लियो, अब तेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे इन शैतानी हाथों में आ चुकी है। क्या बोला तूने? खैर तो अब यहीं से ही यार फिर सोच रहा था मैं कि दिलशाद गार्डन जाना है मेरे को आज, जैसा कि वीडियो का टाइटल भी है, तो यहीं से ही अब जाऊंगा मैं, यहीं से अपनी जो भी कुछ वीडियो वगैरह बनानी है स्टार्टिंग की यहीं से बना के फिर रोहित की बाइक से चला जाऊंगा। वैसे तो ऐसा कोई प्लान था नहीं, मुझे लगा कि घर पे ही होगा, बट ये आज हो गया छोटा मोटा स्कैम, बट ठीक है अब नहीं है तो तेरी गलती है, मैं तो घुमाता हूँ थोड़ा बहुत वहाँ पे भी, आपको भी दिखाना है यार सब कि क्या क्या चीज़ है वहाँ पे मार्केट में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फ़ोन, अब ये फ़ोन मेरा है और अब ये फ़ोन भी मेरा है और इस फ़ोन के साथ नहीं यार, फ़ोन से भी ज़्यादा एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो है एक तो यार जी भाई साहब ये भी कितने प्यारे, और जाओ आंटी से परमिशन ले लेता हूँ, आंटी जी सुनो ये रोहित की मम्मी, हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो, अरे व्लॉग बना रहा हूँ तो सब सबको बोल दो ऐसे हेलो 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 दोस्तों, आपके तो बेटा बेटी हो, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है आंटी जी ये रोहित के जूते ले जाऊंगे एक दो, मैं मना करती हूँ कभी, आप तो बस यही तो परमिशन चाहिए थी उन कैमरा, मैं कभी कहती हूँ नहीं, शर्म करो भगवान से डरो, बस
अब मेरे जूते और रोहित रोहित के पास वैसे भी काफ़ी सारे हैं ना आंटी, काफ़ी सारे उसके पास, एक दो मैं ले लेता हूँ, मैं ही ले जाता हूँ। बेटा मैं कभी नहीं कहती। आप तो कभी मना ही नहीं करोगे, इसी बात का तो फायदा उठा लेता हूँ मैं थोड़ा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यार यहाँ पे ना मार्केट में उसकी एक कमी है दिलशाद गार्डन की जहाँ पे अभी हम जाएंगे कि वहाँ पे वो नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डिजिटल पेमेंट्स नहीं होती है और लास्ट टाइम मतलब मैं जब गया था तो यार बहुत दिक्कत आई थी मुझे इस वजह से ही, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट हो ही नहीं रही थी, वो मना कर रहे थे साहब, तो इस वजह से ना कैश की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। थोड़ा कैश था मेरे पास, थोड़ा फिर इधर उधर से एक्स्ट्रा रुपए दे के फिर लेके आने पड़े थे। तो अगर आप कोई भी जाओ तो वहाँ पे कैश ज़रूर लेके जाना अपना। आज हो गया है सब रेडी, निकलने की तैयारी है, बैकपैक हो गया है, मैं रेडी, मुँह हाथ धो लिया है, इससे तो ज़्यादा क्या ही दूँ मैं। इससे तो ज़्यादा फिर लेप लगाना पड़ेगा कुछ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और धूप चेक, बैकपैक चेक, और एक चीज़ और है, कैश, कैश आपको लेना पड़ेगा। A few moments later. One hour later. तो यार फाइनली पहुंच गए हैं थोड़ी बहुत लंबी ड्राइव के बाद, लंबी नहीं छोटी थी, यह है पूरी मार्केट और लोकेशन मैं मार्क कर दूंगा। एक्चुअली गोल चक्कर है ये SDM, आप अगर लोकेशन डालना हो ना तो लोकेशन में SDM नॉर्थ ईस्ट डाल देना और गोल एग्जैक्टली गोल चक्कर पे है ये, ठीक है। और यहाँ से मार्केट शुरू है अपनी, तो ये इसकी मैं पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा, आपको दिखाऊँगा क्या क्या सारी चीज़ें हैं, कहाँ से अच्छे और अच्छी क्वालिटी के मतलब जूते, जूतों से लेकर कपड़े वपड़े हर टाइप के, लेडीज़ भी है और जेंट्स भी है और बच्चों के भी आई थिंक, तो सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ छोटा सा, छोटी सी वीडियो में। वहाँ से यार शुरू है और जूते यार सही में बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे ये अच्छी अच्छी क्वालिटी के, और काफ़ी सारे ना ओरिजिनल मिलेंगे, कुछ फर्स्ट कॉपी वगैरह मिल जाएंगे। जैसे यार देखो ये वाले जूता, अब एक बात बताओ यार, एक लड़का ऐसे जूतों को देख के कैसे फिदा ना हो। क्या बोला तूने? ऐसों को नहीं, इन पे नहीं आया मेरा दिल, उन पे ठीक है। और एक और दिखाता हूँ यार, ये रेड टेप के दिखाता हूँ, इन पे तो भाई दिल आ गया भाई, ये देखो यार जूते देखो भाई, ये देखो यहाँ पे ये। और रेट अगर मैं पूछूंगा ना तो फिर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, मैं नहीं मानता, इसलिए रेट अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पे ना या तो मैं हर इनके साइड में, अभी आपको शायद साइड में दिख रहा होगा रेट की, रेट कितना है इन जूतों का, और बाकी एक बल्लो आपके सामने पूछ लेता हूँ, भैया क्या रेट है इनका जूतों का, इनका ग्रीन वालों का? हाँ 600 है दिखा ना भाई, ये देख लो भाई ओरिजिनल है, 600 है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की ट्राई कर लेना सब अपने हिसाब से, बट फिर भी यार 600 में भी बहुत सही मिल गया है, ठीक है। बाकी और चलो और मार्केट आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे यार खाने वाने का भी मिल जाएगा, तो चिंता मत करना, कभी बोलो भूखे भूखे। यार ये देखो कितने प्यारे प्यारे जूते, और अब कैसे ना दिलाए मेरा और तुम्हारा भी। और यहाँ पे ये अंडरवेयर मतलब निकर वगैरह का सेक्शन है, ये टी शर्ट है, ये भी टी शर्ट वगैरह है, यहाँ पे टी शर्ट मिलेगी, ठीक है। कितने की है भैया?
100 रुपए के दो, 50 की एक। ओ भाई, और कपड़ा, रुको कपड़ा दिखा देता हूँ ना आपको, किसे भी इसका 100 रुपए का दो ले यार, 100 रुपए का दो, 100 रुपए का दो, 100 रुपए का दो कपड़े। यार देखो भाई, कपड़े में कोई ख़राबी नहीं है, और 50 रुपए के हिसाब से तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक्चुअली अगर यही टी शर्ट 300-400 में मिले तो भी ठीक है। 8:01 PM तो यार आप भी सोच रहे होगे कि अचानक मतलब यहाँ कैसे आ गए, हम तो मार्केट में थे, अभी मार्केट की क्लिप दिखाई थी एंड फिर सीधा घर पे। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं क्लिप्स बना रहा था, वीडियो रिकॉर्ड में जब कर रहा था ना, तो क्लिप करके जहाँ पे मैंने लास्ट दिखाया था कि वो टी शर्ट वगैरह लेने, ठीक है, तो मेरा मन करा कि यार कि चलो थोड़ी सी टी शर्ट ले ली जाती है यार, बाद में वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा। पहले सबसे पहले जो मैंने कुछ स्टॉल्स वगैरह दिखाए हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने देखी चीज़ें एंड फिर मैं वहाँ पे टी शर्ट लेने चला गया था। तो मैं वहाँ पे टी शर्ट ढूंढ रहा था अपने लिए अच्छी खासी, तो ढूंढते ढूंढते एक्चुअली मेरा कुछ ज़्यादा ही उसमें फोकस हो गया एंड पता नहीं चला यार एक्चुअली क्या हो गया कि सीन हो गया, एक बड़ा सीन हो गया, जेब से यार फ़ोन चोरी हो गया मेरे, पॉकेट में रखा था मैंने निकाल के एंड पता नहीं कब यार, लेकिन ना फिर वो निकल गया, किसी ने निकाल लिया। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि जेब से गिर के इन टी शर्ट्स वगैरह में गिर गया होगा, तो वहाँ पे ढूंढा पहले अच्छे से, लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैंने फ़ोन पे फ़ोन करे तो रिंग जा रही थी क्योंकि स्विच ऑफ नहीं हुआ था वो उस टाइम तक। काफ़ी फ़ोन करे, पहले तो फ़ोन बजता ही रहा, मुझे लगा कि क्या पता आसपास ही पड़ा हो, तो इसलिए फ़ोन करता रहा कि यार लोग बाद में बनाऊंगा थोड़ा सा यार टेंशन हो गई थी, फ़ोन गुम निकल गया यार जेब से। तो फिर ना देख रहा था यार फ़ोन, लेकिन मिला नहीं। तो आती यार फिर मतलब पहले तो ढूंढा वहाँ पे काफ़ी जगह आसपास भी गया, फिर वहाँ के पास में फिर FIR कराने गया था थाने में, तो उन्होंने कुछ IME नंबर मंगाया था, वो मेरे पास अभी था नहीं, तो वापस आना पड़ा मुझे घर पे पास में यहाँ पे, अब जहाँ से ढूंढूंगा। तो घर पे आया यार, पहले तो सबसे पहले तो यार मगा यार चला के थोड़ा बहुत नहाता हूँ, थोड़ा दिमाग फ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आया हूँ अभी। लोग तो यार ये था कि मैंने सोचा था कि उसके बाद मतलब टी शर्ट एक बार ले लूँ, उसके बाद मतलब आपको टी शर्ट भी दिखा दूँगा कि सच में यार काफ़ी अच्छे कपड़े के। खैर थोड़ा सा बेच रहा हूँ मैं, मैंने टी शर्ट फिर भी ले ली, दुख तो हुआ थोड़ा सा फ़ोन गुम होने का, लेकिन मैंने सोचा कि यार चल अब हो ही गया है गुम तो क्या कर सकते हैं, अब आए हैं जिस चीज़ के लिए वो तो कर ही लेता हूँ मैं। तो टी शर्ट ले ली मैंने और टी शर्ट दिखा दूंगा मैं अभी, काफ़ी अच्छी अच्छी है, ठीक है मैम। तो उसके बाद अभी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे नहाया हूँ एंड इसके बाद अब एक दो जगह और जाना यार, थाने में जाऊँगा शायद FIR वगैरह करवाने, और कुछ चीज़ें सिम बंद हो गई है, कुछ और देखते यार, कुछ घूम फिर के आऊँगा, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा। A few moments later. तो यार अच्छा खासा भारी नुकसान करवा के अब जेब और पेट दोनों चीज़ खाली हो चुके हैं, तो जेब तो कैसे भरूँ अचानक, लेकिन पेट भर लेते हैं। और पेट भरने के लिए अभी जा रहा हूँ कुछ लेने खाने के लिए, और अब फिर कुछ खाने पीने आया है, सोचा कि इतना नुकसान करा लिया है थोड़ा कुछ खा पी नहीं लेते हैं। तो जब तक खाना पैक होता है अपना, तब तक यार कुछ देख लेते, घूम लेते, मार्केट है इतनी बड़ी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो टाइम पास तो वैसे भी करना ही है 10-15 मिनट तो यार उसने भी बोला है, ऐसे बोलते तो वो भी नहीं दे सकता खाना। बाकी यार देखते अभी मार्केट में घूम के कुछ खा पी ले के फिर एक बार अब ना वहाँ पे भी जाना है यार, सिम भी निकलवाने जाना है, और ये तो खैर एक्स्ट्रा फ़ोन था अभी तो वीडियो वगैरह बन गई, नहीं तो सारा कंटेंट भी जाता। और हाँ बट चलो कोई नहीं, अभी जाएंगे यार सबसे पहले तो सिम में निकलवा लूँ, अभी खाना खा के फिर स्टोर पे जाऊँगा,
सिम निकलवाने, और सिम निकलवा के फिर देखते यार एक बार कल दोबारा। कल थाने में जाऊंगा, अभी तो शायद इस टाइम तो कुछ होगा नहीं, FIR वगैरह तो कर दिया, तो देखते यार क्या होगा क्या नहीं। मिल गया तो फ़ोन ठीक है, नहीं तो यार नहीं तो क्या। तो हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। बिल्कुल सही। 15 मिनट्स लेटर। तो भैया टेस्टिमनी बना ली, फोन चोरी हो गया। उसकी खुशी में भैया हमें दो नींबू एक्स्ट्रा दे रहे। दे रहे भैया? वाह क्या सीन है। 1 hour later. यार फोन तो चोरी हो गया, तो अब पहले सिम ही निकलवा लेते हैं। सिम निकलवाने आया यार अभी। 1 minute 37 seconds later.